तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड मोहब्बत, इसे आज नजरें झुका लो, क्योंकि आज इस मोहब्बत की आखिरी मुलाकात थी। अम्मी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुम शादी के लिए अभी राजी हो? पूरा मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, मंजूर है। जो तुम कहोगे ना वैसा ही होगा। हाँ हम क्या करते हैं, हम अभी एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है? फिर जब अल्लाह पैसे देगा तो हम खरीद भी लेंगे, लोन ले लेंगे बैंक से। कितने कितने सॉल्यूशंस हैं ज़िंदगी में, थोड़े दिन रेंट पे रहने में कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? फिर देखो हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, हम दोनों जब अपनी सैलरीज मिलाएंगे तो हम सोचो कितनी चीजें कर सकते हैं जिंदगी में। हाँ बहुत अच्छा। ऐसा अगर इंसान करने पे आए ना और लग के मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ। हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं, कितने बड़े बड़े गोल्स हैं हमारी जिंदगी में, हम वो सब पूरा करेंगे। और पप्पू को तुम समझाना, उनको कहना कि हम पप्पू का और तारा आपी का बहुत ख्याल रखेंगे, वो हमारी फैमिली है। बस क्या है ना कि थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी हम दोनों को। देखो ना अब लाइफ में जब आपके इतने गोल्स होते हैं, आप इतने करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो आप ये किचन पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ सकते। तुम देखना मैं और तुम साथ होंगे ना तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। दुल्हन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा इंसान हूँ। नहीं इतने बड़े ख्वाब नहीं है मेरे, इतने बड़े बड़े ख्वाबों का पीछा करके ना मैं थक के अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड मोहब्बत, इसे आज नजरें झुका लो, क्योंकि आज इस मोहब्बत की आखिरी मुलाकात थी। ऐसे मत बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कोई और हल निकालते हैं, ठीक है? हम डिस्कस करते हैं। नहीं, जाओ जी, हम कुछ और सोचते हैं। बैठो। तुझे मेरी